जरा रजवी प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। जो बोलूँगा सच बोलूँगा। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासी टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। चंद दिनों से मुख्तलिफ चैनलों पर अजीब अजीब किस्म की बात हो रही है। दुख होता है कि हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान किस डगर पर चल रहे हैं। मुझे आज भी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लफ्ज़ याद आते हैं, जब उन्होंने इलेक्शन के बाद मुजीब रहमान को कहा था, उधर तुम इधर हम। वही अभी दो तीन दिन पहले वज़ीर दाखला हैं राना सनाउल्ला, वो इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कह रहे हैं, या ये रहेंगे या हम रहेंगे, या ये ख़त्म हो जाएंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ये इन्होंने वो सच साबित कर दिया जो इमरान खान कह रहा है कि मुझे मारने के लिए प्लानिंग बना ली गई है और उसमें 5 लोग हैं। तो जारी बात है उसमें नवाज शरीफ का नाम भी आ रहा है, शहबाज शरीफ का नाम भी आ रहा है, मरियम नवाज का भी नाम आ रहा है, राना सनाउल्ला का भी नाम आ रहा है, और एक कोई और है वो जो इनकी बैक पे है। तो कब तक आप मारेंगे? क्या 75 साल से मारने के अलावा पाकिस्तान में क्या किया गया? कायदे आजम कैसे मरे? उनके लिए एम्बुलेंस कौन सी गई? सबको पता था कि इसमें पेट्रोल नहीं है, और वो गाड़ी लेके गई कायदे आजम को, थोड़ी दूर दूर जाके वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक गई और कायदे आजम तड़प तड़प कर मर गए। यानी कि जिसने मुल्क बनाया उसको बेदर्दी से मार दिया गया। उनकी बहन फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक किया गया वो भी आप लोगों को याद होगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दोनों बेटों को जैसे मारा गया वो भी सबको पता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिस तरह से मारा गया वो भी पता है। बेनज़ीर साहिबा को जैसे मारा गया वो भी सबको पता है। और अरशद शरीफ साहब को जैसे मारा गया पाकिस्तान से भगा के, किस तरह से बाहर निकाला और कहाँ केनिया के जैसे मुल्क में मार दिया गया, कमाल है। और वहाँ की पुलिस किसी गलत इतलाह पे गोली चला देती है और मर जाते हैं। कितना झूठा ड्रामा आप लोगों ने मचाया है। फिर दिल्ली शाह को जैसे मारा गया और आप कह रहे हैं कि नहीं वो एक गाड़ी के हादसे से मर गया, खुदा रहा माफ कर दें, थक जाए ना इस मुल्क को खूनरेजी की तरफ लेके जाए। इमरान खान की मौत पाकिस्तान में खूनरेजी की इब्तदा हो गई। आप लोग चाह रहे हैं ना एमरजेंसी लगाना, इलेक्शन ना हो, एमरजेंसी लग जाए और फिर सारी बातें मार्शल आ जाएगी। तो कब तक आप मार्शल लगवाते रहेंगे? इसमें पहले भी कितनी मार्शल लगी, मुल्क तबाही होता है। याद रखें जमहूरियत के दौर में ही दुनिया के लोग आपको कर्जे देते हैं, हालांकि इस मुल्क को कर्ज की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली अपने सारे जितनी बाहर प्रॉपर्टी वगैरह इनकी और जितना बैंकों में इनका पैसा पड़ा हुआ है, और जो काफ़ी लोग जो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के गए हैं और पाकिस्तान से बाहर असासे बनाए हैं, अगर वो सब बेच दें और पाकिस्तान में पैसा वापस ले आए तो आईएमएफ का सारा कर्ज उतर जाएगा और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। मगर उसके लिए है आपका अपना ईमानदार होना। आप सब अपने ज़मीरों का ऑपरेशन करें और सोचें इस मुल्क ने आपको क्या दिया और आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। क्या ख्याल है आपका?